हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको हैप्पी होली। उम्मीद करती हूँ आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी, और जो होली नहीं खेलते या नहीं पसंद करते वो भी औरों को खुश देखकर खुश तो ज़रूर हुए होंगे। तो हो गई ना उनके लिए भी होली हैप्पी। तो वंस अगेन हैप्पी होली एवरीवन। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो और जान अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं और जान अपना प्यार ईबो को कन्फेस करता है। वहीं ईबो को पता चल जाता है कि फई के एक्सीडेंट के पीछे ज़ीशुआन और ज़ोई हैं, और ईबो फई को ये भी सच बता देता है कि वो ईबो की अपनी सगी बेटी है। उसके बाद ईबो फैंगशिंग से कहता है कि वो एयरपोर्ट जाकर ज़ोई और ज़ीशुआन को चोंगचिंग छोड़ने से रोके और खुद भी हॉस्पिटल से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोए ईबो के कॉल के बाद से घबराहट में ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, और ज़ीशुआन से पूछती है कि ब्रदर ईबो ने कॉल क्यों किया था। तो ज़ीशुआन बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं, ईबो ने सिर्फ डिनर पर इन्वाइट करने के लिए कॉल किया था। जिसे सुनकर हैरान होते हुए ज़ोए कहती है कि क्या फई ने ब्रदर ईबो को कुछ नहीं बताया? क्या ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से फई के दिमाग में गहरी चोट लगी है? ज़ोई की बात सुनकर ज़ीशुआन की आंखें चमक जाती है और वो कहती है, हाँ शायद यही हुआ है। दिमाग में चोट लगने की वजह से शायद फई अपनी याददाश्त खो बैठी है, इसलिए कल क्या हुआ उसे याद ही नहीं, और वो ईबो को कुछ नहीं बता पाई होगी, वरना ईबो इतना नॉर्मल साउंड कैसे करता और हमें डिनर पर इन्वाइट ही क्यों करता? मैंने कहा था ना कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी फैंगशिंग वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों से पोलाइटली कहता है, मिस चियू, मिस झाओ, सीईओ वोंग को पता चला कि आप चोंगचिंग से जा रहे हैं, तो वो आप दोनों को पर्सनली सी ऑफ करने आने वाले हैं। आप प्लीज़ थोड़ा उनका वेट कर लीजिए, उन्होंने आपको ये बताने के लिए मुझे यहाँ इतनी जल्दी में भेजा है। ये सुनकर कि ईबो इतना बिजी होने के बाद भी वहाँ उनको सी ऑफ करने आने वाला है, ज़ीशुआन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह सोचती है कि अभी भी ईबो के दिल में उसके लिए स्पेशल जगह है। पर ज़ोए फई को हर्ट करने की वजह से गिल्टी फील कर रही थी और ईबो को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो ज़ीशुआन को प्लेन बोर्ड करने के लिए कहती है। पर ज़ीशुआन ईबो का इंतज़ार करना चाहती थी, इसलिए ज़ोए को रुकने के लिए कहती है। तभी ज़ोए ज़ीशुआन को मनाते हुए कहती है कि अगर उन्होंने अभी प्लेन बोर्ड नहीं किया तो वो फ्लाइट मिस कर देंगे और उनके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जिस पर फैंगशिंग कहता है कि अगर उनकी फ़्लाइट मिस हुई तो वो उनके लिए नेक्स्ट फ़्लाइट बुक कर देगा। ज़ोए फैंगशिंग की बात पर कहती है कि ऐसा करने से ब्रदर ईबो के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मेरे पैसे बचाने के बारे में सोचने के लिए थैंक यू ज़ोए, ईबो उनकी तरफ आते हुए कहता है। ईबो को अपने सामने देख कर ज़ोए डरने लगती है, पर ज़ीशुआन बहुत एक्साइटेड होने लगती है। तभी दोनों की तरफ देखते हुए ईबो कहता है कि ईबो ने ज़ीशुआन को डिनर पर ले जाने का वादा किया था, तो वो ऐसे कैसे ईबो को बिना बताए वापस जा रहे हैं? ईबो की बात सुनते ही ज़ीशुआन उदास दिखते हुए कहती है कि वो जाना नहीं चाहती, पर ज़ोए के स्कूल की वजह से जाना पड़ रहा है। तभी ज़ोए भी बहाना बनाते हुए कहती है कि अगर उसने स्कूल से ज़्यादा छुट्टी ले ली तो मॉम उसे मारेगी, इसलिए वो आज ही वापस जाएगी। लेकिन इस पर ईबो स्माइल के साथ कहता है कि उसके रहते ज़ोए को उसकी मॉम नहीं मारेगी, और वैसे ईबो के पास उनके लिए एक गिफ्ट भी है। गिफ्ट के बारे में सुनते ही ज़ीशुआन खुश होकर ईबो के साथ जाने के लिए मान जाती है, और ईबो ज़ोए और ज़ीशुआन को अपने साथ ले जाते हुए फैंगशिंग को आँख मार देता है, जिसे समझकर फैंगशिंग दोनों के लगेज को लेकर आगे निकल जाता है। ईबो सबसे पहले उन दोनों को एक अच्छे से फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिलीशियस लंच इंजॉय करवाने ले जाता है, जहाँ ईबो खुद ज़्यादा ना खाकर ज़ोए और ज़ीशुआन को ही खाने देता है। तभी खाना खाते हुए ईबो उन दोनों के लिए रेड वाइन भी मंगवाता है, जिसे पीते हुए और खाना इंजॉय करते हुए ज़ीशुआन ईबो से कहती है कि वो जब बीजिंग आएगा तो उसे ज़ीशुआन से रोज़ मिलना होगा, जिस पर ईबो ओके कहता है। वहीं ज़ोए भी थोड़ी ड्रिंक करने के बाद रिलैक्स्ड फील करते हुए कहती है, ब्रदर क्या आप नहीं जानते कि ज़ीशुआन आपके बारे में क्या सोचती है? वो बचपन से आपको प्यार करती आई है और आपकी शादी का सुनकर
वो बहुत दुखी है, जिस पर ईबो कहता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और ज़ीशुआन उसकी बहन जैसी है। लेकिन ईबो की बात सुनकर जोए ज़ीशुआन का पक्ष लेते हुए बोलती है, ब्रदर ज़ीशुआन आपकी बहन बनकर नहीं रहना चाहती, उसने इतने सालों आपका इंतज़ार किया है, क्या आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जोए बस करो। ज़ीशुआन जोए को आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए टेबल से अपनी वाइन उठाकर पूरा पी जाती है। तभी ईबो भी अपने टेबल से उठते हुए कहता है कि अगर वो दोनों उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके साथ चले। उसके बाद ईबो दोनों को कार में बैठाकर एक बहुत ही अच्छे पॉश एरिया के बड़े से मैंशन की बैक साइड पर कार रुकवा कर बाहर निकल कर खुद आगे जाने लगता है और वो दोनों ईबो को फॉलो करते हैं। वो मैंशन बहुत ही ब्यूटीफुल और फुल फर्निश्ड था। तभी मैंशन में एंटर करके ज़ीशुआन पूछती है कि ईबो उन्हें यहाँ क्यों लाया है। तो ईबो लिविंग रूम के बड़े से काउच पर बैठते हुए कहता है, मैंने यहाँ लाकर बात क्लियर कर दी है। लेकिन ईबो की अनक्लियर बात को सुनकर जोए गेस करते हुए हैरानी से पूछती है, ब्रदर आप कहीं ज़ीशुआन को अपनी मिस्ट्रेस तो नहीं बनाना चाहते ना? जोए की बात सुनकर ज़ीशुआन का चेहरा भी पीला पड़ जाता है, पर वो बिना कुछ कहे ईबो के हैंडसम फेस को देखते हुए उसके कुछ कहने का इंतज़ार करती है। तभी जोए थोड़े अनॉइंग टोन में आगे कहती है, ब्रदर आप ज़ीशुआन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो च्यू फैमिली की डॉटर है, आप उसके साथ इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? जोए की बात पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर चेहरे पर कोल्ड स्माइल के साथ ईबो कहता है, तो क्या तुम ही मेरी बेटी के साथ क्रूअल हो सकते हो? ईबो का स्ट्रॉन्ग कोल्ड ऑरा देखकर ज़ीशुआन समझ जाती है कि ईबो उन्हें फंसा रहा था, पर वो फिर भी पूछती है, ब्रदर ईबो आप क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी ज़ीशुआन जोए का हाथ पकड़ कर कहती है, ब्रदर ईबो आपने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू, अब हम दोनों जा रहे हैं, आपसे बीजिंग में मिलेंगे। ये कहकर ज़ीशुआन जोए को लेकर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगती है कि ठीक उसी वक्त चार गार्ड्स ब्लैक ड्रेस में उन दोनों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिन्हें देखकर दोनों ही ईबो की तरफ मुड़कर पूछते हैं ये सब क्या है। पर दोनों के सवाल का जवाब देने की बजाय ईबो अपनी कोल्ड टोन में पूछता है, तो तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आई? अच्छा तो बताओ फई को चोट कैसे लगी? ईबो का सवाल सुनकर ज़ीशुआन कहती है कि ये खबर तो खुद ईबो ने उसे दी थी, तो वो ये सब कैसे जान सकती है? वहीं जोए की पकड़ ज़ीशुआन के हाथ पर डर के मारे कसती जा रही थी। फिर ईबो सेम क्वेश्चन जोए से करता है, तो वो भी कह देती है कि उसे कुछ नहीं पता। पर अगले ही पल ज़ीशुआन ईबो से सवाल करने लगती है कि वो उन्हें फई की चोट के लिए क्यों पूछ रहा है और उन दोनों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है, क्या उसे फई ने कुछ बताया है? ज़ीशुआन के इस तरह बिहेव करने पर ईबो उन्हें उनकी गलती बताते हुए कहता है कि एक तो उन दोनों ने फई से बहस की और उनसे उसे चोट लगने के बाद भी उन दोनों ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और फई को उसी हालत में छोड़कर चले गए। फई सिर्फ 5 साल की एक छोटी सी बच्ची है और उनकी ये हरकत अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ही कहलाएगी, और फई का फादर होने के नाते ईबो को पूरा हक है उन दोनों पर कोर्ट केस करने का। इसके बाद ईबो अपने सीरियस लुक के साथ आगे कहता है कि वो दोनों फैमिलीज की रिलेशन की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उन्हें यहाँ लाया, वरना उन्हें सीधे पुलिस स्टेशन भिजवा दिया होता। ईबो की बात सुनकर ज़ीशुआन को गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, पर जोए के पैर डर के मारे कमज़ोर पड़ रहे थे और वो डरते हुए कह रही थी कि उसने फई को जान से मारने की कोशिश नहीं की। जोए की हालत देखकर ज़ीशुआन फौरन उसे काउच पर बैठाते हुए जोए के कान में कहती है कि उसे ईबो की बात को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, इसलिए वो चुप रहे और ज़ीशुआन को सब संभालने दे। जोए से ये सब कहकर ज़ीशुआन ईबो के पास आकर कहती है, ब्रदर ईबो मैं भी थोड़ा बहुत कानून जानती हूँ, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, बातों को कोई प्रूफ नहीं मानता। तभी अपनी जगह से उठकर ईबो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ज़ीशुआन मेरे पास सबूत है, मैं तो बस तुम दोनों को सच कहने का मौका दे रहा हूँ, पर अगर तुम अभी सच नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, तब तक तुम दोनों यहीं रहो और जब सच बताना चाहो तब मुझे बता देना,
ये कहकर ईबो वहाँ से जाने लगता है तो जीशवान चिल्लाते हुए कहती है कि क्या ईबो उन्हें हाउस अरेस्ट कर रहा है, हाउस अरेस्ट करना कानून के खिलाफ है। तभी जीशवान के पास आकर एक स्माइल के साथ ईबो कहता है, तुम हाउस अरेस्ट हो, क्या इसका तुम्हारे पास प्रूफ है? मैं तो बस अपने मेहमानों को यहाँ रहने के लिए कह रहा हूँ, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद ईबो उन दोनों से उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लेता है, जिससे चिढ़कर जीशवान गुस्से में कहती है कि ईबो इस हरकत को उसके और जीशवान के फादर्स के आगे कैसे एक्सप्लेन करेगा। पर यह सुनते ही ईबो डार्क आई से जीशवान को देखते हुए कहता है, मेरी बेटी ऑलमोस्ट। तभी एक पॉज लेकर ईबो गुस्से में आगे कहता है, तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया वो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? ईबो का ये कहते हुए दिल दुख रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने फई का खून से सना चेहरा आ रहा था और वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता था कि अगर उसे मीटिंग से वापस आने में और थोड़ी देर हो गई होती तो फई उन्हें हमेशा के लिए छोड़ जाती। इसलिए ईबो उनमें से किसी को माफ़ नहीं कर सकता था जिनकी वजह से फई हर्ट हुई थी। फिर ईबो आगे कहता है कि अगर वो दोनों अपनी गलती नहीं मान सकते और फई को अपना नहीं सकते तो क्या वो ईबो की बहने कहलाने के लायक है? ये कहकर ईबो वहाँ से चला जाता है और जीशवान ईबो के पीछे चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आने लगती है कि ईबो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर ईबो बिना पलटे वहाँ से जीशवान की नज़रों से दूर चला जाता है और गार्ड्स जीशवान को बाहर निकलने से रोक देते हैं। उसके बाद जीशवान थक कर रोते हुए जोए के पास आकर बैठ जाती है तो जोए उसे कहती है कि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती है, वो अच्छों के साथ गॉड की तरह है और बुरों के साथ डेविल की तरह पेश आता है और अब अगर भाई ने उन्हें यहाँ बंद किया है तो अब वो बस सच कहकर ही बाहर निकल सकते हैं। उस दिन के बाद से ईबो उस मेंशन में अगले 5 दिनों तक नहीं आता, जिसकी वजह से मेंशन में रहते हुए जीशवान के बर्दाश्त की हद पार हो रही थी, क्योंकि अगर वो इसी तरह से यहाँ रहती रही तो ज़रूर पागल हो जाएगी। ये सोचते हुए वो जोए को कई बार गार्ड से ये कहने के लिए भेजती है कि वो ईबो से मिलना चाहते हैं। हर बार गार्ड जोए को ये बताकर वापस भेज देते हैं कि ईबो या तो बिजी है या अवेलेबल ही नहीं है और जब वो फ्री होंगे तब उन दोनों से मिलने आ जाएंगे। अपनी हालत से फ्रस्ट्रेट होकर जीशवान जोए को गुस्से में कहने लगती है कि जोए की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है, उसने तो फई के साथ कुछ भी नहीं किया था। ये सब सुनकर जोए दुखी होकर कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और गलती से फई को चोट लग गई, पर जीशवान के कहने पर वो उसे छोड़कर वहाँ से गए थे। तभी अचानक जीशवान जोए के गले लगकर रोते हुए कहती है कि वो तो सिर्फ जोए की मदद करना चाहती थी, पर आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसने ईबो को हमेशा के लिए खो दिया। जीशवान को ऐसा रोता देख जोए को दुख होता है, पर जीशवान जोए से कहती है कि उन दोनों में से कोई एक ही इनोसेंट साबित हो सकता है और अब जब ईबो जीशवान पर शक कर रहा है तो ये सारा इल्ज़ाम वो अपने ऊपर ले लेगी, क्योंकि जोए अभी स्कूल गोइंग गर्ल है। जीशवान की बात सुनकर जोए के दिल में तकलीफ होती है और वो कहती है कि जो कुछ भी किया है उसने किया है तो वो खुद सारा सच बता देगी, पर जीशवान को ऐसा नहीं करने देगी। जोए की बातों से इमोशनल होकर जीशवान जोए को गले लगा लेती है और स्माइल करती है और सोचती है कि जोए को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। उन दोनों को वहाँ 2 दिन और बीत जाते हैं। 1 हफ्ता हो जाने पर भी ईबो उनके पास नहीं आया था तो जोए परेशान होकर गार्ड से कहती है कि वो मिस्टर वॉन्ग से कहे कि जोए और जीशवान उनसे मिलना चाहते हैं। तभी मेंशन का डोर ओपन होता है और ईबो मेंशन में एंटर करते हुए जोए से पूछता है कि क्या अब वो फाइनली कुछ कहना चाहते हैं। तभी जोए डोर की तरफ देखती है जहाँ से ईबो कैजुअल कपड़े पहने फई का हाथ थामे अंदर आ रहा था। ईबो कैजुअल ड्रेस में भी बहुत हैंडसम दिख रहा था और इस 1 हफ्ते में फई की चोट भी पहले से ज़्यादा ठीक हो गई थी, पर अभी भी उसे अपने जख्म को बैंडेज से कवर करना पड़ रहा था। जोए ईबो को वहाँ देख घबरा कर 2 कदम पीछे हो जाती है। तभी ईबो आराम से काउच पर फई को लेकर बैठते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती थी? इसी बीच जीशवान जो वहीं लिविंग रूम में थी ईबो को इग्नोर करके पलटकर ऊपर जाने लगती है। तभी अपने सामने बैठे ईबो के प्रेशर को जोए और नहीं संभाल पाती और अपनी गलती मानते हुए कहती है कि वो फई के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो उसके कमर से लिपट गई थी और जोए बस
ये नहीं चाहती थी कि फई उसे हाथ लगाए, इसलिए उसने फई को खुद से दूर पुश कर दिया था। फिर अपना सिर नीचे झुकाते हुए जोए आगे कहती है कि उसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, पर वो डर गई थी कि कहीं सच जानकर ईबो उसकी पिटाई ना कर दे। फिर जोए ईबो से सॉरी मांगती है। सारी बात सुनकर ईबो कहता है कि जोए को फई से माफ़ी मांगनी चाहिए, पर जोए फई से माफ़ी मांगने से झिझकती है। तभी ईबो कहता है, तुम माफ़ी नहीं मांग सकती पर एक बच्ची को मरता छोड़ सकती हो। माना तुम ऐसा नहीं करना चाहती थी और फई को धक्का दिया, पर जब तुमने देखा कि उसके सिर से खून बह रहा है तो तुमने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलवाया? चलो छोड़ो कि एम्बुलेंस नहीं बुलाया तो मुझे आकर बता सकती थी, पर तुम तो भाग गई। तो अब तुम पुलिस स्टेशन खुद जाओगी या मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ? ये सुनते ही डर से कांपते हुए जोए रोने लगती है और ईबो के सामने अपने घुटनों पर आकर ईबो से उसे पुलिस स्टेशन ना भेजने की रिक्वेस्ट करती है। तभी ज़ीशुआन शावर लेकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है और जोए को बचाने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो डर गई थी और ऐसे डर कर कोई भी इंसान भाग जाता है और वैसे भी जोए एक स्कूल स्टूडेंट है। तभी ज़ीशुआन फई को देखकर उससे कहती है कि जोए उसकी आंटी है और उसकी फैमिली भी, तो वो अपनी वजह से उन्हें आपस में लड़ने कैसे दे सकती है, उसे अपने डैडी को मनाना चाहिए। तभी फई अपने डैडी की तरफ देखकर उसे जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, ये वो सख्त टोन में ज़ीशुआन से कहता है, काइंडनेस उन्हीं को दिखाई जाती है जो खुद काइंड होते हैं। मेरी बेटी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो इसे बचा सकते थे पर बचाया नहीं। तभी मेंशन के डोर पर नॉक होता है और गार्ड वीडियो फोन पर चेक करके ईबो को आकर बताते हैं कि बाहर मिसिस वॉन्ग है। ये सुनकर ईबो हैरान होता है क्योंकि वो जान से एक परफेक्ट बहाना बनाकर फई को अपने साथ लाया था, पर शायद जान ईबो के बहाने को समझ गया था और उसका पीछा करके यहाँ तक आ गया। तभी ईबो गार्ड से कहकर जान को अंदर बुला लेता है, तो जान को देख कर फई फौरन उसके पास जाकर जान के पैरों से लिपट जाती है और जान फई को प्यार से कहता है कि वो अभी भी ठीक नहीं है तो इस तरह से उसे भागना नहीं चाहिए, जिस पर फई हाँ में सिर हिला देती है। आज ज़ीशुआन जान को पहली बार देख रही थी और जान अपने सिंपल कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, एलिगेंट और प्योर दिख रहा था, जिसे देख वो अब समझ गई थी कि ईबो क्यों जान की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा। वहीं ईबो जान के इस तरह वहाँ आने से नाराज़ था, पर सबके सामने वो जान से कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए ईबो अपनी जगह से उठकर जान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए खुद भी बैठ जाता है। तो जान ज़ीशुआन को देखकर ईबो से पूछता है कि ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है, तो ईबो जान को उसके शोल्डर से पकड़कर अपनी बाहों में भरकर ज़ीशुआन के बारे में बताता है कि वो उसकी बहन जैसी है। फिर ईबो ज़ीशुआन को जान से मिसेस वॉन्ग कहकर इंट्रोड्यूस कराता है, पर ज़ीशुआन जान को मिस्टर जान कहकर हेलो कहती है क्योंकि वो जान को किसी कीमत पर मिसिस वॉन्ग कहना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी जान की नज़र जोए पर पड़ती है, तो उसकी बुरी हालत देखकर जान ईबो से पूछता है कि जोए को क्या हुआ, किसने उसे बुली किया? तो ईबो कहता है कि जोए को उसी ने बुली किया है। तो जान कन्फ्यूज लुक के साथ ईबो को देखता है और ईबो जोए को सारा सच जान को बताने के लिए कहता है। जैसे जैसे जोए जान को सारा सच बताने लगती है, जान के चेहरे का कन्फ्यूज लुक गुस्से में बदलने लगता है। उसके बाद अपनी पूरी बात करके जोए जान से माफ़ी मांगते हुए उसे ईबो को मनाने के लिए कहती है कि ईबो जोए को पुलिस के हाथों ना सौंपे, पर जान गुस्से और आंखों में दर्द लिए जोए की मदद करने से मना कर देता है कि उसकी गलती छोटी गलती नहीं है, क्योंकि जोए इंसान को इंसान नहीं समझती और एक बच्ची के साथ इतना बुरा किया। तभी ईबो अपने गार्ड्स को बुलवा कर जोए को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, पर ज़ीशुआन उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर ईबो पूछता है कि क्या फई की चोट के पीछे उसका भी हाथ है, तो वो उसे भी जोए के साथ ही भेज देगा, जिसे सुनकर ज़ीशुआन हैरान खड़ी रह जाती है और जोए के मन में ज़ीशुआन के लिए और ज़्यादा प्यार और जान के लिए नफरत बढ़ जाती है। तभी ज़ीशुआन फिर से जोए को प्रोटेक्ट करते हुए ईबो से पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है जो वो जोए को इस तरह क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहा है। इस पर ईबो ज़ीशुआन से कहता है कि क्या उसे सुनाई नहीं देता, जोए ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। तो ज़ीशुआन जान के सामने खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हुए ईबो से कहती है कि जोए ने जो कहा उसे वो कैसे साबित करेगा, क्योंकि जोए कोर्ट में कुछ नहीं कहेगी।
तो तुम्हें सबूत चाहिए। ये कहते हुए ईवो अपने पॉकेट से वॉइस रिकॉर्डर निकालकर ज़ीशुआन और जोई को दिखाते हुए कहता है, तुम दोनों ने क्या सोचा था मैं इतने दिनों के बाद बिना तैयारी के आऊँगा? ज़ीशुआन, मैं जोई के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ और आशा करता हूँ कि फई के केस में तुम इन्वॉल्व ना हो, वरना मैं तुम्हें तो कुछ कहने का मौका भी नहीं दूंगा। ये कहकर ईवो गार्ड से जोई को वहाँ से ले जाने को कहता है और जोई के जाते ही ईवो जान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से चलने को कहता है और जान और फई को अपनी बाहों में भरकर मेंशन से बाहर जाने लगता है। ज़ीशुआन अकेले वहीं लिविंग रूम में बैठी उन तीनों को आंखों में आंसू लिए जाते देखती है। जिस ईवो की आंखों में उन दोनों के लिए कुछ पल पहले कोल्डनेस और गुस्सा था, वो इस वक्त जान और फई के साथ जेंटल और अफेक्शनेटली बिहेव कर रहा था। ज़ीशुआन अकेले खाली मेंशन में चीखने लगती है कि क्यों जान आज उसकी जगह है और आज जो भी उसकी हालत है वो जान और फई की वजह से है। थोड़ी देर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद ज़ीशुआन मिस्टर चिरैन को कॉल करके सब बता देती है और जान के खिलाफ बोलती है कि जान के लिए ईबो ने जोई को पुलिस के हवाले कर दिया। ये सुनकर मिस्टर चिरैन को गुस्सा आता है कि ईबो अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अपनी बात पूरी करके ज़ीशुआन एक कनिंग स्माइल लिए कॉल कट करके सोचती है कि अब मिस्टर चिरैन से जान को कोई नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ चिरैन फौरन ज़ीशुआन की कॉल के बाद ईबो को कॉल लगाता है और जैसे ही ईबो कॉल रिसीव करता है अपने डैड से कॉल करने का रीज़न पूछते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जोई के लिए कॉल किया है तो बात करना बेकार है क्योंकि उसकी गलती के लिए ईबो उसे माफ़ नहीं कर सकता। और ईबो इससे पहले कि मिस्टर चिरैन कुछ कह पाते कॉल ये कहकर डिस्कनेक्ट कर देता है कि वो ड्राइव कर रहा है। और ईबो की कॉल कट होते ही चिरैन ईबो को गाली देते हुए गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देते हैं और ली यिंग से फौरन चोंगचिंग चलने के लिए कहते हैं, जहां अपने प्राइवेट जेट में चोंगचिंग आते हुए चिरैन ली यिंग को सब बता देता है, जिसे सुनकर ली यिंग परेशान होती है। पर चिरैन से कहती है कि वो सच ईबो और ज़ीशुआन से फेस टू फेस बात करके ही जानना चाहती है। वहीं चोंगचिंग पहुँच कर चिरैन और ली यिंग ज़ीशुआन को लेकर ईबो से मिलने क्लाउड रिसेसिस कम्युनिटी की तरफ चले जाते हैं, जहां अपने फादर को अपने सामने देखकर ईबो तिरछी स्माइल के साथ कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे। ईबो को ऐसा बोलते देख चिरैन बुरा सा मुंह बना लेते हैं, जिसे देख ईबो एंट्रेंस को ब्लॉक करते हुए चिरैन को मेंशन के अंदर आने से रोकते हुए कहता है, वेल डैड, मैं आपको इस लुक के साथ अपने घर में वेलकम नहीं कर सकता। जिस पर चिरैन भी मेंशन के अंदर एंटर करने की इच्छा ना जताते हुए ईबो से कहता है कि वो एंट्रेंस पर ही बात कर सकते हैं। पर लीइंग ईबो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने डैड की हेल्थ के बारे में सोचे, वो इतनी दूर से 2 घंटे की फ्लाइट लेकर आए हैं। पर ईबो उनके पीछे खड़ी ज़ीशुआन की तरफ देखकर कहता है कि उसने नहीं कहा था यहाँ आने के लिए। पर तभी ज़ीशुआन कहती है कि ये जोई के पेरेंट्स हैं तो उनका हक बनता है जोई के बारे में जानने का। ये सुनते ही ईबो सरकाज़म से भरी तिरछी स्माइल के साथ ज़ीशुआन को देखता है, क्योंकि वो ज़ीशुआन के माइंड को पढ़ चुका था। वो जानती थी कि वो ईबो को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए ईबो के डैड को यहाँ चोंगचिंग बुलाया, क्योंकि उनके दबाव में ईबो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही लेगा। पर शायद ज़ीशुआन भूल गई थी कि वो ईबो है और वो जो करना चाहता है वो करके रहता है। तभी ईबो ज़ीशुआन की बात पर सरकास्टिकली स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू ज़ीशुआन, तुम सबके लिए कितना सोचती हो। ईबो को इस तरह बोलते देख ज़ीशुआन क्रीपी फील करती है और वो समझ जाती है कि वो ईबो को गुस्सा दिला चुकी है। तभी जान अंदर से बाहर आते हुए ईबो से पूछता है कि वो इस तरह दरवाजे पर क्यों है, और जैसे ही वो ईबो के पास आता है चिरैन ली यिंग और ज़ीशुआन को देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उसके बाद जान चिरैन और ली यिंग को ग्रीट करते हुए अंदर आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर चिरैन ईबो को देखते हुए जान से कहता है, तुम्हें लगता है कि ये चाहता है कि हम अंदर आएं? चिरैन की बात सुनते ही जान एक प्यारी सी स्माइल के साथ ईबो को साइड करते हुए चिरैन को अंदर आने का रास्ता देता है और कहता है, डैड, आप ईबो की बातों से परेशान मत होइए, ये बस एक बच्चा बन रहा है। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? ईबो नाखुश दिखते हुए जान से पूछता है, पर जान ईबो को इग्नोर करके चिरैन और ली यिंग को
अंदर लेकर आता है, जिनके पीछे जीशवान भी अंदर आ जाती है। उन तीनों के अंदर एंटर करते ही जान भी उन्हें फॉलो करता है और जान को ये वो फॉलो करते हुए दोबारा पूछता है कि उसके ऐसा कहने के पीछे क्या मतलब था, जिस पर जान चलते रहते हुए ही कहता है, मेरा मतलब था कि तुम इतने हैंडसम हो कि आसानी से किसी का भी अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हो। जान ऐसा ईबो को खुश करने के लिए कहता है और ईबो भी जान की बात पर स्माइल करता है। पर उन दोनों को इतना लवी डवी देख जीशवान का तो मानो दम ही घुट रहा था। चिरैन लीइंग और जीशवान के लिविंग रूम में बैठते ही जान पूरे रिस्पेक्ट से उनको टी सर्व करता है और उनको खाने के लिए पूछता है, तो ईबो जान का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहता है कि प्राइवेट जेट में सब होता है, तो जान फिक्र ना करे। प्राइवेट जेट का नाम सुनते ही जान बड़ी बड़ी आंखों के साथ ईबो को देखते हुए कहता है, ये प्राइवेट जेट से आए हैं? लेकिन अगले ही पल जान खुद को संभाल लेता है, क्योंकि वॉन्ग फैमिली इतनी रिच है तो उनके पास प्राइवेट जेट होना आम बात थी, पर ये बात एक पल के लिए जान को हैरान कर गई थी। लेकिन जब जीशवान जान के एक्सप्रेशन देखती है तो मन में सोचती है कि ईबो और जान के स्टैंडर्ड के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है, पर पता नहीं क्यों ईबो को ये बेवकूफ पसंद आ गया। तभी चिरैन जान को फिक्र ना करने का कहते हुए सीधे पॉइंट पे आते हुए कहता है कि वो दोनों जोई के लिए यहाँ आए हैं और उन्हें जीशवान से सब पता लग गया है। वो मानते हैं कि जोई ने गलती की है, पर उसके ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए चिरैन और लीइंग के खातिर जोई को उसकी पहली गलती पर माफ कर दिया जाए और वो दोनों ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर में वो ऐसी कोई भी गलती ना करे। चिरैन की बात पर ईबो कहता है कि ये इतनी आसान बात नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, पर चिरैन ईबो को डांटते हुए कहता है कि वो जान से पूछ रहा है, ईबो से नहीं। तो ईबो जान को डिफेंड करते हुए कहता है कि वो जान को फोर्स नहीं कर सकते, पर जान चिरैन और लीइंग के लिए ईबो को कहता है कि उसे जोई को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये बात मीडिया में पहुंची तो फैमिली की बदनामी होगी। लेकिन ईबो साफ कह देता है कि वो फई के साथ गलत करने वालों को माफ नहीं करेगा। इस बात पर चिरैन और ईबो फिर से अपने एक दूसरे को घूरने के कंपटीशन में लग जाते हैं। तभी लीइंग फादर और सन के बीच में जोई को लेकर दरार ना पड़े इसलिए फौरन कहती है, हनी ईबो और जान के लिए चीज़ें मुश्किल मत करो, जोई ने गलती की है तो उसे सजा भुगतने दो। नहीं, मैं नहीं मानता, चिरैन ईबो को देखते हुए कहता है। हाँ, मैं भी नहीं मानता, मैं भी अपनी बेटी को सफर करने नहीं दे सकता, ईबो भी चिरैन को देखते हुए कहता है। तभी चिरैन गुस्से में कहता है, क्या वो तुम्हारी बेटी है? ईबो, मैं जान से तुम्हारी शादी को लेकर खुश हूँ और तुम्हें कभी भी जीशवान के साथ होने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे झूठ से खुश हूँ। वो छोटी सी लड़की तुम्हारी बेटी बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर ईबो लीइंग की परवाह ना करते हुए कहता है, जोई आपकी स्टेप डॉटर है और आप इस वक्त मिस लीइंग की बेटी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसलिए तुम जान की बेटी की मदद कर रहे हो? चिरैन उल्टा ईबो से सवाल करता है। नहीं डैड, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी खुद की बेटी की मदद कर रहा हूँ, ईबो भी फौरन जवाब देता है। तभी खुद को बीच में बोलने से ना रोक पाते हुए जीशवान कहती है कि ईबो को सबसे बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने फई को खुद कहते सुना था कि वो ईबो की सगी बेटी नहीं है और बच्चे झूठ नहीं कहते। जिसे सुनकर गुस्से में चिरैन कहता है कि एक ही बात को दोहराते रहने से झूठ सच नहीं हो जाता, और ईबो ऐसा कौन सा नशा करने लग गया है जो उसका दिमाग बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और ये झूठ छुपाने के लिए चिरैन जान को भी घूर कर देखता है, पर फिर भी जान से सॉफ्ट टोन में कहता है कि जान अपनी बेटी से प्यार करता है और वो अपनी और वॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ होने की वजह से उसे घर की शांति और खुशी का सोचना चाहिए, इसलिए वो जोई को वापस बीजिंग ले जाकर अपने हिसाब से सजा देंगे, जिस पर जान मान जाता है। तो चिरैन खुश होकर कहता है कि फाइनली चीज़ें सेटल हो गई। तभी ईबो कहता है कि उसके डैड अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ गलत कर रहे हैं। इस पर जान ईबो को बात भूलने के लिए कहता है, पर ईबो जान का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि बेशक जान जोई को माफ़ करने के लिए मान गया है, पर एक बात है जो उसके डैड को जानना ज़रूरी है। ये कहकर
यिबो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और सब उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद यिबो लाकर एक रिपोर्ट चिरैन को दे देता है और चिरैन अपने हाथ में पेटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट देखकर हैरान होता है, जहाँ रिपोर्ट 99.9% मैच कर रही थी, जो क्लियर बताती है कि फई यिबो की अपनी बेटी है। ये देखकर चिरैन हैरान होते हुए यिबो से पूछता है कि क्या ये सच है। तो यिबो चिरैन के सवाल का मतलब समझते हुए सोफे पर आराम से बैठते हुए कहता है, ये रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की है, जो फेक रिपोर्ट्स नहीं बनाते, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं तो आप वहाँ जाकर CCTV फुटेज चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ फई को लेकर गया था और आप वहाँ के मेडिकल स्टाफ से भी पूछ सकते हैं, जिन्होंने सैंपल लिए थे वो आपको सच बता देंगे। मुझे इस बात पर आपसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। गाइज, कल होली की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं वीडियो टाइम से नहीं बना पाई थी। यही वजह है कि आज का ये वीडियो मैं थोड़ा लॉन्ग अपलोड कर रही हूँ, और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि जब जब मुझे टाइम मिल सकेगा तो मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगी। पर गाइज, मैं ये तभी करूँगी जब आप मुझे मेरे हर वीडियोज़ पर अपने 1000 लाइक्स देकर इनकरेज करेंगे। तो बस आज के वीडियो पर भी अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।